इंस्पेक्टर अमुद, लड़कों से कंप्लेंट मिलने के बाद आपने मीरा को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर, मीरा एब्सकॉन्डेड थी, हमने बहुत झूठा पर मिली नहीं, कहीं जाकर छुप गई होगी। अच्छा, कहीं जाकर छुप गई। अगर वो कहीं जाकर छुप गई थी तो इतनी आसानी से घर से कैसे पकड़ा? सर, वो मतलब बहुत दिन छुप कर बोर हो गई होगी। नहीं, वैसे भी कोई ढूंढ नहीं रहा तो छुप कर फायदा क्या, इसीलिए ऑटो लेकर घर आ गई और आपने आसानी से जाकर पकड़ लिया। सर, बात वो नहीं है पर... सुनाई नहीं दिया। सर, टिप ऑफ। सर, टिप ऑफ किसने दिया? टिप किसने दी आपको? सर, उसके घर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात थी। ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। नहीं सर, सिविल ड्रेस में कांस्टेबल थे सर। झूठ। नहीं सर, वहाँ पुलिस वाले थे। झूठ। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप झूठ बोल रही हैं। सरासर झूठ बोल रही हैं। यू आर लाइंग, बिल्कुल झूठ। योर ऑनर, इंस्पेक्टर को डराने के बजाय उनके झूठ को साबित करें तो बेहतर रहेगा। सही कहा आपने, साबित करते हैं। ये आपकी लिखी हुई रिपोर्ट की ही कॉपी है ना? हाँ, मेरी लिखी हुई। इसमें उसी घटना के बारे में लिखा है ना? यहाँ देखिए। हाँ सर। मगर उस दिन आप ड्यूटी पर थी ही नहीं अमुदा मैन, तो फिर ये कैसे लिखा आपने? अदियार में किसी की शादी अटेंड करने गई थी ना? सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप ड्यूटी पर नहीं थी, आपने इस रिपोर्ट को अपने हाथों से लिखा, हालांकि पेन और इंक दोनों अलग है, ये कैसे हुआ? सर, शादी अटेंड करके मैं जल्दी आ गई थी सर। तो आप अडियार मैरिज हॉल से 11:05 को निकलकर ओएमआर के मामलापुरम पुलिस स्टेशन में 11:15 को पहुंच गई। रास्ते में तो टोल नाके हैं और लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कम से कम 60 मिनट तो लगते हैं, अगर टोल को इंक्लूड करें तो 70 मिनट। मगर आप 10 मिनट में वहां कैसे पहुंच गई? सो लेट मी गेस, आपने अडियार से 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाया होगा और मामलापुरम पुलिस स्टेशन पहुंच गई होंगी। वाह, आपको F1 रेस में होना चाहिए मैम, पुलिस डिपार्टमेंट में आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हैं। सर, वो मामला सीरियस था इसलिए मुझे हवा की स्पीड से आना पड़ा। चलिए मान लेते हैं मामला सीरियस था और आप हवा की स्पीड से आई, मगर रिपोर्ट सिर्फ 2 लाइन में क्यों खत्म कर दी? हेरिटेज रिजॉर्ट में मीरा ने बड़ी बेदर्दी से आदिक के सर पर बोतल मारकर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिससे खून बहुत बहा। सर, 2 लाइन में लिखा, फिर भी रिपोर्ट तो क्लियरली समझ में आ रही है ना? एक बात समझ में नहीं है मैडम, मीरा का पूरा नाम लिखा है मगर आदिक का आपने पहला ही नाम लिखा। चलिए मान लेते हैं ये वही आदिक है जिसके बारे में इस वक्त हम इस केस में चर्चा कर रहे हैं। सर, केस उतना ही था, उसके बाद क्या लिखना है पता नहीं चला, जितना चाहिए था उतना लिख दिया। आपने अपनी सहूलियत से जो चाहा लिख दिया, राइट? कुछ समझी नहीं। वाकई नहीं समझी? सुरेश जब ऑटो में बैठा उस वक्त, ये भी आप ही की लिखी हुई रिपोर्ट है मैडम, सुरेश जब ऑटो में बैठा उस वक्त उसका मोबाइल उसके पॉकेट में था, मगर जब ऑटो से उतरकर अपनी जेब टटोलकर उसने देखा तब मोबाइल नहीं था। आखिरी बार उसने अपने 4C मोबाइल को, जो कि इसमें लिखा हुआ था 4C, उसे मिटाकर 4G कर दिया। वाह, क्या डेडिकेशन है इंस्पेक्टर अमुदा। उसके अलावा और भी 10 लाइनें लिखी हैं। ऑटो में मोबाइल खो जाने पर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी, मगर इतनी बड़ी घटना को 2 लाइन में निपटा दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस पेज पर आपने रिपोर्ट लिखी उस डेट में उस पेज पर उतनी जगह बची थी। सही कहा मैडम, जब मेरी क्लाइंट मीरा ने 20 मार्च को आदिक पर कंप्लेंट दर्ज करवाया, आपको ऊपर से प्रेशर आने लगे, फिर आपने रजिस्टर उठाकर बैकडेट में जाकर बड़ी सफाई से मार्च की 1 तारीख में दोबारा कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा मैडम, पिक्चर क्लियर तो हो रहा होगा? योर ऑनर, इस रजिस्टर में हर रिपोर्ट एक या आधे पेज पर लिखी गई है, सिर्फ यही रिपोर्ट है जो 2 लाइन में लिखी गई है, क्योंकि जब मेरी क्लाइंट मीरा ने आदिक के नाम से कंप्लेंट की तब आनंद फानंद में यह दिखाने के लिए कि आदिक ने मीरा से पहले कंप्लेंट की है, इन्होंने बैकडेट में जाकर एक झूठी कंप्लेंट दर्ज की। योर ऑनर, यही सच्चाई है। किसी एक का भरोसा जीतने के लिए किसी मासूम को जलील नहीं करना चाहिए। Are you a virgin? हाँ।
मैंने जो सवाल पूछा वो तुम्हारी समझ में आया मिस मीरा? क्या तुम्हारा कुमारपन बरकरार है? Are you aware of the 2018 amendment, Mr. Bharat? Section 146, amendment 53 है. Consent जरूरी है सवाल पूछने से पहले. अब अवे क्यों ना? जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब तुम देना चाहती हो या नहीं? अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस सेशन को इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के जरिए प्राइवेट रूम में भी कर सकते हैं. नहीं सर, ओपन कोर्ट में ही जवाब दूंगी.